था। शादी ही मेरा केस है मैडम। मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करोगी? ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अरे भैया, आपको बाहर बोर्ड नहीं दिखा बड़ा बड़ा? महिला पुलिस थाना और वर्दी में लोग दिख नहीं रहे हैं आपको? मैरिज ब्यूरो खोल रखा है हमने यहाँ पे। शहर में किसी भी मैरिज ब्यूरो के पास मेरा प्रॉब्लम का हल नहीं है मैडम। नहीं नहीं, एक मिनट, आप साफ साफ शब्दों में बताइए कि आपकी परेशानी आखिर है क्या? मेरा नाम प्यारे मोहन है। मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ, एक छोटा सा परिवार शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे इस छोटे हाइट की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। लड़की वाले मेरा कद देख के ही रिश्ता वापस ले जाते। मैडम, मैं एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेंटली और फिजिकली फिट हूँ, महीने का 70,000 कमाता हूँ मैडम। 70,000? आपसे मैच नहीं हो रहा है। मैडम, मैं शादी करके किसी भी लड़की को अच्छी लाइफ देने के लिए सक्षम हूँ। मैंने हर तरह से कोशिश की है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे गुमशुदा हो जाओगे, उसमें बैग में दूसरा केस दर्ज करना पड़ेगा। 12 आराम से बैठो, चेयर दे, कुर्सी दे, कुर्सी दे। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर, मैंने चाइना से लेके अमेरिका तक और भूटान से लेके जापान तक हर जगह कोशिश की है। क्या मुझे शादी करने का, अच्छी लाइफ जीने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है मैडम? क्या मेरी हाइट कम है तो इसलिए मैं अच्छा पति नहीं बन सकता मैडम? अभी आप ही बताइए, मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ? बैठे। अरे भाई, मैं खड़ा हूँ। बैठ के दिखाओ। हाँ, अभी बैठे। ऐसा ही होता है मैडम। देखिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बड़े भैया? बड़े भैया, देखिए हम क्या कह रहे हैं, जोड़ियां तो ऊपर आसमान में बनती है, तो कोई ना कोई जरूर लिखा होगा आपके लिए और वो बहुत जल्द आ जाएगी आपके जीवन में, तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बताइए बड़े भैया। कब आएगा आंटी जी? तो आंटी जी, नहीं नहीं, ये हमारे बड़े भैया है ना, तो हम छोटी दीदी हुए ना। वो लड़की कब आएगी, मेरा वक्त निकल जाने के बाद? देखिए, वक्त तो हमारी मैडम सर का भी निकल गया है, लेकिन देखो वो कितने खुश है। आप अपनी शादी के बारे में सोचिए संतोष शर्मा। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब भी मुझे शादी करनी होगी तब का संतोष, तब का बोली जल्दी। तब मैं भी यही चाहूंगी ना कि कोई अच्छा वेल सेटल लड़का मिले मुझे। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बताइए। अब जो कि आप हैं। ना संतु जी, ना। तो मैं इसे हार समझूं? मैं अपने फैमिली वालों को बुला के लाता हूँ। पक्का समझो? नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था संतोष शर्मा? देखा मैडम, ऐसे ही लड़कियाँ बातें बनाती है, लेकिन सच तो ये है कि हम जैसे ईमानदार और काबिल लड़कों की जरूरत नहीं है। हर एक लड़की को हैंडसम, टॉल और गुड लुकिंग लड़का चाहिए, भले ही वो करप्ट और बेईमान क्यों ना हो। मैडम सर, लेकिन सही बोल रहे हैं, इनका तकलीफ जो है ना बड़ा ही दुखदाई है। इनका जो असल दर्द है ना वो कोई फील नहीं कर सकता, बस उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दुनिया में जो कोई भी आदमी है ना, हर किसी को एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नहीं, शादी के लिए। अरे लेकिन शादी के बाद आशिक का तो दी एंड ही हो जाता है ना। तुम्हें कौन सा हाइट का प्रॉब्लम है बे? पिलाटे। तो क्या आप मेरी तकलीफ का हल निकालोगे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं जान दूं, तो आपको साम दाम दंड भेद से मेरी शादी करवानी होगी, नहीं तो मैं तब तक क्या कहा तब तक भैया तब तक नहीं यहीं बैठा रहूंगा। संतु जी, बाप एकदम नन्ही सी जान, कितना ज्यादा मेहनत करेंगी आप संतु जी। ए बदनाम, चाय दे इनको। ए नहीं, चाय नहीं, बदनाम आपकी चाय नहीं, प्लीज। चाय मत दे। बाप रे, संतु जी कितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा आप। आपको पता है हमारी एक दूर की रिश्तेदार थी, वो भी ऐसे ही बहुत ज्यादा मेहनत करती थी संतु जी। इतनी मेहनत की उन्होंने तो पक्का कुछ बनी होंगी वो। बनी ना, दो बच्चों का माँ बनी,
धर्म पत्नी बनी, एक अच्छा बहू बनी, 16 सोमवार का लगातार मेहनत वाला व्रत रखी थी, उसके बाद से उनको इतना ज्यादा प्यार करने वाला पति मिला। लेकिन संतु जी, आप एक बार इशारा तो कर दीजिए, आप एक बार इशारा कर दीजिए, टप से आपकी जिंदगी में आ जाएंगे हम संतु जी। क्या आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ही बोल रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्या क्या ये मैट्रिमोनियल साइट पे। संतु जी, मैट्रिमोनियल साइट पे क्यों ढूंढ रहे हैं, एक बार हाँ बोल दीजिए ना, हाँ का तुरंत मान जाएंगे हम, तुरंत आ जाएंगे आपकी जिंदगी में। संतु जी बोलिए, प्यारे जी ने जिस मैट्रिमोनियल साइट पर अपना वेडिंग एप्लीकेशन डाला है ना, उसकी लिस्ट बनाने मैडम सर ने कहा था ना, वो कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। अरे बुआ, अरे बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? जा नहीं रहे, आ रहे, यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं हम। रहने के लिए? अरे बुआ, कहाँ रहने के लिए आ रहे हैं? कहाँ, एक मिनट, अरे डरिए मत, इधर आइए बैठिए। अरे यार, डरते कहाँ हैं आप, हम ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कहाँ रहने के लिए जा रहे हैं आप? थाने में, जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक हम इस थाने में रहेंगे। का समझे हैं, अपने बाबूजी का धर्मशाला समझे हैं का, कि जहाँ मन वहाँ तशरीफ टिका दिए? अरे यार, ये लैपटॉप। संतु जी, क्या हो गया, क्या हुआ आपको? संतु जी, मम्मी, क्या हुआ? नहीं, ये लैपटॉप, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सब हम डर गए ना संतु जी, हमको बोले लैपटॉप का दिक्कत, हम फोन करते इसके मैकेनिक को। एक सेकंड रुकिए, यही फोन रखे था, ये देखिए। हेलो, बोला, जरा बताइए। आप ही कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब से ये लैपटॉप लिया ना, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पता है? कभी हैंग हो जाता है, कभी बराबर चलता नहीं है, अपने आप गर्म हो जाता है, कभी कभी अचानक से ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट मांगने लगता है, तो प्रॉब्लम बहुत है इस लैपटॉप में। हाँ, ये हो गया। एक मिनट, जादू, आपकी उंगलियों में जादू है, क्या है गजब यार? नहीं, वो टेक्निकल इशू है, कैश मेमोरी ज्यादा हो गया था, वो डिलीट कर दिया, और उसकी वजह से थोड़ा हिट मार रहा था। ज्यादा काम करके तो ऐसा ही होता है, थोड़ा कम काम कीजिए। थैंक यू सो मच। आप कौन कहता है कि आप छोटे, आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। फिर भी हमें कोई लड़की नहीं मिल रही है। देखिए, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी आपका कोई लाइफ पार्टनर जरूर बना होगा। आपको सच में लगता है? हाँ, आप हमारी मैडम सर को जानते नहीं है, वो यूं केस सॉल्व कर देती हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं मैडम सर को कॉल करती हूँ। अब जय हिंद मैडम सर। जी मैडम सर, आपने वो प्यारे जी की केस में वो डिटेल्स मांगी थी ना, जी वो मैंने आपको मेल कर दिया। बताइए, आप आइए अंदर। चलिए, आइए आइए। थैंक यू, मेरा लैपटॉप। आइए, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं हम। हाँ हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, आप इस झमेले में काहे पड़ रही हैं ना, मतलब हम एक का शादी कराएंगे ना, 10,000 लोग आ जाएंगे अपना मंगलसूत्र और अपना बायोडेटा लेकर। मैडम सर, ये महिला पुलिस थाना है, कोई मैरिज ब्यूरो नहीं है, आप समझ रही हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन प्यारे ने हमसे मदद मांगी है। वो हर जगह बेचारा कोशिश कर चुका है, दुनिया भर में एप्लीकेशन दे चुका है, लोगों से मदद मांग चुका है, पंडितों से, यहाँ तक नेताओं तक के पास भी पहुँच गया, और लोग क्या कर रहे हैं, उसे धुतकार रहे हैं, उसे नकार रहे हैं, उसे सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ आया है मदद करने के। करिश्मा सिंह, देखिए रिजेक्शन कितना पेनफुल होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। और ऊपर से उसके आसपास का माहौल, उसकी उम्र के जितने लोग हैं उन सब की एक एक करके शादी हो गई है, और आप अच्छे से जानती हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज कैसा है, हर जगह उसे सिवाय तानों के, सिवाय रिजेक्शन के और कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे में हर जगह से घूम फिर कर वो फाइनली हमारे थाने आया है, तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं। मैडम सर, ये तो आप फिर से वो जज्बाती एंगल से देख रही ना, मतलब हम किसी के शारीरिक और मानसिक अवस्था के आधार पर नहीं बता सकते कि इंसान सही है या गलत। हो सकता है कि कद का दिक्कत ना हो सकता है वो इंसान अच्छा ना हो सकता है उसमें कुछ तो ऐसा बुराई हो, कुछ स्वभाव उसका अच्छा ना हो कि लड़कियां उसको पसंद नहीं कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता ना मैडम सर। लड़का गुणी है, कमाता भी अच्छा है, अब कद का क्या है,
शादी के बाद लड़की थोड़ी ना रोज घर के बल्ब बदलवाएगी, इससे जरूर कुंडली में ही कोई दोष होगा। कुंडली है तुम्हारे पास? हाँ है ना। ये सब साथ में लेके चल रहे हैं। कोई मिली कुंडली तो खोल। सबर करना यार, तुम सबर कर। लड़की ढूंढना है आपके लिए, जामुन थोड़ी चलना है कि उसे उड़ा के तोड़ लिया आपके लिए। सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। हमें तो कड़वा भी चलेगा। माँ ये बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा है, इसका कुछ करो, कुंडली में क्या दोष है देखो। एक मिनट, उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आप MM है या नहीं। MM? MM मतलब? मैरिज मटेरियल। वो कैसे पता चलता है? सब्जियों के बारे में पता होना चाहिए। नहीं मतलब अगर भिंडी मंगाए तो टिंडा नहीं आना चाहिए, करेला मंगाए तो ककड़ी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? आप पूछिए, मुझे सब्जियों के बारे में सब पता है। अच्छा, हर सब्जी के बारे में पता है? हाँ, मैं आग बंद करके छू के बता सकता हूँ कि कौन सी सब्जी है। अच्छा, तो फिर अगर तुमने ये सब्जी परीक्षा पास कर ली तो फिर हम मान लेंगे कि तुम एकदम पति मटेरियल हो। मंजूर है। प्यारे जी। हाँ बताइए, ये कितनी उंगलियां है? अरे भाई, जब आंखों में पट्टी बंधी है, दिख नहीं रहा है तो कैसे बताऊंगा मैं। ओके, तो हम खेल शुरू करते हैं। KBS, कौन बनेगा सब्जीपति? बताओ कौन बनेगा सब्जीपति में आपका स्वागत है। तो आपके सामने पहली सब्जी पेश होने जा रही है। ये रही पहली सब्जी आपके हाथ में, पहचानिए ये कौन सी सब्जी है। बैंगन। सेकंड सब्जी आपके सामने ये रही, बताइए। करेला। ये भी पहचान लिया। आपके सामने तीसरी सब्जी। सब्जी आपको पेश, ये सब्जी आपकी हो गई। देखा, मर्दों को पता होता है सब्जियों के बारे में। एक लड़की आई होती है जो अपने पति में ना ऐसे दोष निकालती रहती है। तो मैडम जी, मैं हूँ ना हस्बैंड मटेरियल। हाँ हाँ हाँ, तुम हो एकदम सर्वगुण संपन्न पति, आदर्श पति, एकदम पति मटेरियल। वाकई हर लड़की को आपके जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू? मेरे मम्मी पापा को बुला के लाऊं? नहीं, एक मिनट संतोष, इधर आइए। सब्जी पर रिसर्च करके अपन आपको साइंटिस्ट समझ रहे हैं क्या जी? बीवी से क्या दुकान खुलवाएगा सब्जी का? 24 घंटा ही निशाचर आदमी अपनी बीवी से ना सब्जी ही बनवाएगा। पुष्पा जी देख लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं उससे सब्जियां नहीं बनाऊंगा, सब्जी तो मैं खुद बनाऊंगा। बस मुझे एक जीवन साथी चाहिए। हाँ तो मिलेगा ना तुमको हाथी, सॉरी साथी। सब्र रखो ना यार, मिलेगा तुमको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, एक अच्छे साथी की जरूरत तो हर किसी को होती है। तो दिलवाइए ना साथी मैडम, वादा किया था ना आपने 48 घंटे में आप मेरी शादी करवा देगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। नहीं नहीं, देखिए आप प्लीज ऐसे मत कहिए, अब हमने वादा किया है तो अब निभा कर तो रहेंगे, और अगर कोई नहीं मिला तो हम करेंगे आपसे शादी। मैडम सर, शादी? मैडम सर, आप ये क्या बोल रही हैं? देखिए करिश्मा सिंह, इन्हें लगता है कि इनकी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनमें कोई कमी है। हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ठीक है? मैडम सर, आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया? आप शायद, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ओके ओके। देखो, तुम्हें जरूर एक बहुत अच्छी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलेगी। हाँ हाँ, मिलेगी, बहुत मैरिज मटेरियल लड़की मिलेगी। रोमांस के नाम पर प्रवचन, प्यार के नाम पर ज्ञान, और खाने के नाम पर तजुर्बे मिलेंगे भाई साहब। बहुत मैरिज मटेरियल है हमारी लड़की, जज्बात ही जज्बात। निकालना पड़ेगा मैडम सर को इस जज्बाती दौरे से भैया। कैसे लेकिन, कैसे कैसे? हाँ एक तरीका हो सकता है। क्या? ऐसे ही हम भी एकदम चौक गए थे, एकदम भौचक्का रह गए थे कि क्या बोल गए बे तुम।
ना मतलब कहता है जैसे हमारा परीक्षा लिया गया ऐसे हम भी परीक्षा लेंगे कि वो वाइफ मटेरियल है कि नहीं है, बताइए। ये क्या बकवास है? यही हमने बोला मां, क्या बकवास है ये, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे घटिया बकवास लोगों को ना हम बाहर निकालते हैं, अभी बाहर निकालते हैं उसको। करिश्मा सिंह, लेकिन वही हमने सोचा कि ठीक होगा उनको ऐसा बाहर निकालना, पर फिर हमने सोचा कि काहे ठीक नहीं होगा, अभी जाके बाहर निकालते हैं मैडम सर हम उसको, उसका हिम्मत कैसे हुआ? करिश्मा सिंह शांत, वो हमसे मदद मांगने आया है। यही मैडम सर, वो हमसे मदद मांगने आया है और आज तक महिला पुलिस थाना से कोई ऐसे खाली हाथ बाहर नहीं गया है ना मैडम सर? आप टेंशन मत लीजिए, हम क्या करते हैं ना पुष्पा जी के साथ उनको भेज देते हैं पंडित के पास। अब वो क्या है ना, पंडित उनको अच्छी सी लड़की दिखा देगा, सही डेट निकाल के उनका क्या कहते हैं डेट फिक्स करा देगा। इससे क्या होगा कि उनका इच्छा पूर्ति पूरा हो जाएगा, समझ गए आप मैडम सर? नहीं मैडम सर, अब आप कुछ मत बोलिएगा, हम है ना, आप हम पे भरोसा करके देखें, हम सब संभाल लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा मैडम सर। ठीक है, आप चाय पियेंगे? आपके लिए कड़क चाय भिजवाते हैं, आप चाय पीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, जय हिंद मैडम सर। जय। बहुत हुआ तुम्हारा ये जज्बाती चोचला गिरी, अब हम नहीं सुनेंगे, चलो हमारे साथ पंडित के पास, तुम्हारा लगन कराते हैं, तुम्हारे टंटा खत्म करते हैं, चलो। ये चीटिंग है। हाँ देखो चीटिंग तो है, मेरा मतलब है कि ये जो ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो चीटिंग ही है ना। उफ, ये कवर वाला मासूमियत। कौन सा मासूमियत? नहीं कुछ नहीं मैडम, ऐसा नहीं। उनको पता है भाई साहब ने क्या किया है? क्या किया? इन्होंने हमको बोला है कि जैसे मैडम सर ने इनका टेस्ट लिया है ना कि ये मैरिज मटेरियल है कि नहीं है, ऐसे अब इनको मैडम सर का टेस्ट लेना है कि मैडम सर मैरिज मटेरियल है कि नहीं है। एक सेकेंड, आपकी इतनी हिम्मत क्या? आपने मैडम सर के लिए बोला कि वो मैरिज मटेरियल नहीं? बताइए मैडम सर, कौन कहता है कि हम मैरिज मटेरियल नहीं है? हम है मैडम सर। क्या लग रही है आप? बिल्लो एक गिरे भी इंसान कितनी बार गिरेगा? बिल्लो तो इसका मुंह बंद कर, इसके मन का भाव स्पष्ट दिख रहा है। तो प्यारे जी, अभी भी तुम कहोगे कि मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है? मैंने कब कहा? क्या आप ही ने कहा था ना करिश्मा मैडम ने कहा, आपने कहा मैडम सर मैरिज मटेरियल नहीं है। कहा था इन्होंने, कहा ऐसे झूठ मत बोलो, आपने कहा था कि नहीं है। नहीं हमने बिल्कुल नहीं कहा। कहा झूठ बोल रहे हो के? कहा झूठ बोल रहे हो? कैसे गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, देखो ये आदमी, तुमने नहीं कहा था? हाँ झूठ मत बोलो अभी। नहीं मैम हमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट नहीं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रही है। अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, कुछ हाँ, भी हाँ, हाँ। हम मत कहिए, हम आपकी सास हैं, जितना हम जानते हैं ना आपको कोई भी नहीं जानता हमको। पर मैडम सर इनकी ना एक आदत है, जब भी ये झूठ बोलती है ना वो ऐसे 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 करती है, देखिए ना अभी भी वैसा ही कर रही थी वो। ये झूठ बोलती, ये इन्होंने नहीं कहा, ये इन्होंने कहा। करिश्मा सिंह आपने हमसे झूठ कहा? नहीं मैडम सर, ये बस अब और कुछ नहीं सुनना चाहते हम। आप जानती भी आपने क्या किया है? आपने इस इंसान के साथ वही किया है जो पूरी दुनिया इसके साथ करती आई है, इनका मजाक उड़ाया है, और आपके इस गंदे मजाक से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को और इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंची है। मैडम सर नहीं, करिश्मा सिंह आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, हमें कुछ नहीं सुनना। खामखा हमने प्यारे जी रो नहीं बड़े भैया, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो बात नहीं है तो ये यार फिर से गुमशुदा, ए निकाल निकाल निकाल। आज की ताजा न्यूज क्या है? नहीं ये गजरा मैं मैडम जी के लिए लाया था।
उनके बालों में लगाने के लिए, पर अगर मैडम जी मान भी जाती तो भी ये गजरा लगाने के लिए मुझे स्टूल का सहारा लेना पड़ता। आज मुझे पता चला कि कोई भी लड़की मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहती। जो आदमी अपने पत्नी के बालों में गजरा लगाने के लायक ना हो, उससे भला कौन सी लड़की शादी करेगी। थैंक यू करिश्मा मैम, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कमी सिर्फ मुझ में है, उन लड़कियों में नहीं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। जब कमी तो मुझ में ही। एक मिनट, लीजिए मैडम, आइए। और हमें गजरा लगाई। क्या हुआ? मुझे गजरा लगाना नहीं आता है। मर्दे लेके घूम रहे थे, लगाने ही नहीं आता है। फर्स्ट टाइम ना। प्यारे जी, तजुर्बा कहता है हमारा कि इंसान की मायार से, उसकी खूबियों से उसका कद बड़ा होता है, उसकी जिस्मानी कद से नहीं। और आपका कद, आपकी कमी बिल्कुल भी नहीं, आपके लायक सही लड़की मिलेगी। थैंक यू मैम, पर ये कहने सुनने की बात है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। असल में देखा जाए तो मेरी हैसियत ही नहीं है किसी का पति बनूं। शायद मुझे लगता है कि मेरा कर कभी नहीं बसेगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कर दीजिए। अरे क्या हुआ? वो मेरी छोटी बेटी आरती है ना, उसका कुत्ता पाइप में। मैडम जी प्लीज चलिए ना, चलिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। देखो बेटा सुनो, हम आ गए ना, अब हम तुम्हारे डॉगी को निकाल देंगे, ठीक है? रोना बंद करो, जाओ मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ जाओ। अच्छा बेटा, जाओ जल्दी जाओ। कैसे निकाले अब इस कुत्ते को? आजा आजा चीता चतुर्वेदी, फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए जल्दी। जी मैडम साहब। बिल्लू ट्राई करो, तुम अंदर घुस सकते हो, जाओ। नहीं, अंदर जाओ, कुत्ते को निकालो, जाओ जाओ जाओ। कमान बिल्लू, कमान, आओ मदद करो इनकी, आओ। चल चल बिल्लू, चल अंदर, चल अंदर, चल। और थोड़ा सा कॉकरोच है, बहुत कॉकरोच है। चीता चीता तुम ट्राई करो, ट्राई करो। मैडम सर हम इतने लंबे हैं, कैसे जाएंगे? अच्छा ठीक है, संतोष शर्मा। हाँ पुष्पा जी। मैडम सर, हम हमारे घुटने दर्द करते हैं ना, तो हम ऐसे चल नहीं पाएंगे। अब ये जवान बच्चे नहीं जा पा रहे तो हम। करिश्मा सिंह, हमें आप ही से आखिरी उम्मीद है। मैडम आप काहे इतनी तकलीफ उठा रही हैं? मैं अपनी भांजी के लिए ऐसा कोई दूसरा रिमोट वाला डॉगी ला दूंगा। क्या खिलौने वाला डॉगी? चलिए चलिए, यहाँ कोई केस ही नहीं बनता, चलिए थाने वापस चलिए। क्या हुआ? दीदी दीदी, मेरे डॉग की जान बचाई है, उसे बाहर निकालिए ना। देखो बेटा सुनो, उन्होंने कहा ना कि वो तुम्हें सेम वैसा नया डॉगी लाकर दे देंगे, है ना? ठीक है, रोना बंद करो। नहीं, मुझे वही चाहिए। प्लीज दीदी प्लीज। मैडम सर, हाँ प्यारे अंदर चले गए। प्यारे? क्या प्यारे? ऐसे कैसे? प्यारे जी, प्यारे जी, प्यारे जी बाहर आइए, प्यारे जी बाहर आइए, आप अंदर क्या कर रहे हैं? अरे प्यारे भगवान, तुम प्यारे हो गए। बिल्लू आवाज बंद हो गई ना? हाँ चीता, वो हमने फायर ब्रिगेड बुलाई थी, उसका क्या हुआ? मैडम सर वो तो अंदर में थे, अभी तक आए नहीं। यार क्या करें क्या करें। पुष्पा जी रस्सी लेकर आइए प्लीज। जाइए जाइए पुष्पा जी। हाँ हाँ देखते। प्यारे जी सुनिए, ये तुम्हारा डॉगी? मैडम
अंदर कोई आवाज वगैरह नहीं सुनाई दे रहा, लग रहा पांच बंदों का। अरे निकल लिए, निकल लिए। पुष्पा जी, प्यारे, ये लो सुनो, उनको बोलो हम रस्सी फेंक रहे हैं। प्यारे जी, हम रस्सी फेंक रहे हैं, आप रस्सी पकड़ कर बाहर आइए, हम सब खींचेंगे। हाँ, रस्सी पकड़िए प्यारे जी। प्यारे जी, खींचो खींचो, थोड़ा धीरे खींचो। बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर, चलो चलो, खींचो 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 खींचो। कुत्ता बाहर आया ना? हाँ, कुत्ता तो। और कोई कौन गया अंदर? अरे पर आप किससे बाहर आ गए? मैं यहाँ से अंदर गया। हाँ। फिर वहाँ से बाहर आया, बाहर आके आपके पीछे खड़ा हो गया। आप सब लोगों को मेरे लिए परेशान होते देख बड़ा मजा आया। प्यारे जी, सबसे अच्छी बात ये है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं और ठीक हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब ऊपर वाला किसी एक चीज में कमी देता है तो उसी कमी को आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बना देता है। इस बच्ची की तरफ देखिए, आज आप इस बच्ची के लिए सच में एक हीरो हैं। एक काम करते हैं, अब आपके लिए लड़की हम ढूंढेंगे। मैडम सर, करिश्मा सिंह, हमने पहले ही कहा था ये केस शादी का नहीं है, भेदभाव का है, डिस्क्रिमिनेशन का है। जो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज लोगों के लिए करती है उनके रंग रूप कद काठी वजन के नाम पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं, अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हम आपके लिए लड़की भी ढूंढेंगे और धूमधाम से आपकी शादी भी करवाएंगे। थैंक यू मैम। 48 घंटे? संतोष शर्मा, जितने भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है उसमें जितनी भी लड़कियों के प्रोफाइल है उन सबको कलेक्ट कीजिए। हम एक एक लड़की को खुद चेक करेंगे और इनके लिए सही लड़की ढूंढेंगे। जी मैडम सर। माँ, मैं कब मांग भरूंगा? कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार था। शुक्रिया ऊपर वाले का, और शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरी जिंदगी में आ गई, शुक्रिया। कहाँ गई लड़की? ये उठो, कहाँ है ये? पकड़ो उसको। आप शादी के मंडप में नहीं बैठे हैं भैया, आप थाना में बैठे हैं, समझ रहे हमारी बात को? सपना से बाहर आइए और चलिए तैयार हो जाइए। तैयार हो जाओ इनकाउंटर के लिए? हाँ, एनकाउंटर ही समझ लीजिए, वैसे भी पहली डेट एनकाउंटर से कम तो नहीं होती। पहली डेट? जी हाँ, एक लड़की ने आपको पसंद किया है, उसके साथ आप पहली डेट पर जा रहे हैं। चलिए चलिए, तैयार हो जाइए। क्या मैडम जी, वो आप भी मेरे साथ मजाक करने लगी? नहीं, भैया ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सच में आपको एक लड़की ने पसंद किया और आपसे मिलने आ रही है। वो पास वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ जाना है हमको ना। मतलब आपका जो पतझड़ वाला दिन था ना, वो चला गया है, अब सूखा रहा है नया नया रंग लेके। हाँ, और ये सब मैडम सर की वजह से हो पाया है। उन्होंने हम सबको ड्यूटी पर लगा दिया था, 24 घंटा हमारा बस एक ही काम था, आपके लिए आपका जीवन साथी ढूंढना, जो मिल गया है। आप समझ रहे हैं, अब आप तैयार हो जाइए जल्दी से, चलिए चलिए सामने वाले होटल में। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ बस ऐसा लड़कियों जैसे शर्माना बंद कीजिए, अब जाइए जल्दी जाइए, नहीं तो एनकाउंटर कर देंगे। मैडम जी, जाइए जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है, जाते जाते। करिश्मा सिंह, अपने प्यारे के लिए लड़की ढूंढने में हमारी मदद की, इस बात का तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नहीं मैडम सर, आपके लिए कुछ भी। मैडम सर, एक सवाल था आपसे, ये जो लड़की प्यारे से मिलने आ रही है, वो मिलने तो आ रही है पर शादी के लिए हाँ करेगी? काहे कि अगर ऐसा नहीं होगा ना मैडम सर, तो प्यारे का दिल टूट जाएगा, और जब दिल टूटता है तो उसका आवाज तो नहीं होता है पर उसका एहसास बहुत गहरा होता है, और वो तो वैसे ही टूटे फूटे हैं, तो आप समझ रहे हैं हमारी बात को। करिश्मा सिंह, कहते हैं कि रिश्ते आसमान में तय होते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि प्यारे के लिए भी कोई लड़की जरूर बनी है, और हो सकता है कि ये जो लड़की जो मिलने वाली है शायद वही हो। ठीक है मैडम सर। वैसे संतु जी, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी बकवास है।
और मुझे ये पता नहीं, ये डेटिंग वेटिंग ना चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती. मतलब इतना बोरिंग है आजकल, किसके पास इतना टाइम होता. ये तो मैडम सर ने कह दिया, इसलिए मैं यहाँ पे आकर ऐसे हेल्प कर रही हूँ, वरना बहुत ही बोरिंग. और इन शॉर्ट मुझे शादी ना बकवास ही लगता है. हो गई तैयारी? हाँ तो कैमरा लगा दिए हैं, क्योंकि मैडम सर इस पूरा डेट का लाइव ना महिला पुलिस थाना में देखना चाहती है, ताकि वो दुनिया को, बाकी सब पूरा लोग को एग्जाम्पल दे सके कि दुनिया में बहुत सारा अच्छा लोग है जो किसी का शारीरिक कमी नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व का बड़प्पन देखता है. आपको क्या लगता है, वो लड़की मुझसे शादी के लिए हाँ कहेगी? बिल्कुल कहेगी. हाय गुलाबो. हाय प्यारे. हाँ प्यारे हैं, आपका नाम क्या है? नहीं प्यारे ही मेरा नाम है. ओह सो सॉरी. शायद आप लोग मेरा ही वेट कर रहे थे ना? जी आप ही का इंतजार कर रहे थे. जी जी. वैसे हम अभी निकल रहे हैं, आप लोग आराम से बैठ के इत्मीनान से बातें करो, है ना? बैठो बैठो. बैठिए बैठिए. टेक योर सीट. अब बैठिए ना. टेक योर रोज एंड टेक. चलो चलो हो गया सब. प्यारे भैया. प्यारे जी बैठिए आराम से. काश हमारे लल्ला को ऐसी लड़की मिली होती, इतनी प्यार भरी नजरों से देखने वाली. काश हमारे लल्ला को पता होता कि वो किसी लड़की से नहीं, चंबल घाटियों की डकैत की भरी हुई बंदूक से शादी करने जा रहा है. वो कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी चल सकती है. बंदूक बगल में है. तो हाँ तो आप एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, और बातें भी आप जेंटलमैन टाइप्स कर ही रहे हैं. दिखने में अच्छे भी हैं. मुझे लगता है एक लड़की के लिए ये सारी क्वालिटीज काफी होती है अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने में. तो लड़का प्रपोज करता है ना? हाँ वो तो है. सॉरी फूल कहाँ गया? सॉरी क्या हुआ? मेरी हाई? नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ओके. मुझे शादी मंजूर है. हमें मंजूर नहीं है. ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है. काहे मंजूर नहीं है? काहे मंजूर नहीं है? इसकी तो नहीं मैडम, वो हम सुन सकते हैं उन्हें, वो हमें नहीं सुन सकते ना. करिश्मा सिंह शांत शांत शांत. चलिए चलिए सब. हाँ चलिए चलिए चलिए. अब तो चल गई बंदूक. क्यों मंजूर नहीं है आपको ये शादी? हमें मंजूर नहीं. क्या आपको दिखाई नहीं देता दुनिया में कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से करवाएगा जिसके साथ उसकी बेटी भी एक मजाक बनकर रह जाएगी? पापा मुझे कुछ नहीं सुनना है. और आप, मुझे नहीं पता कि आपने मेरी बेटी को क्या कहकर बरगलाया है जो आपके कहने पर यहाँ तक चली आई, पर मैं अपने जीते जी अपनी बच्ची की लाइफ खराब होने नहीं दूंगा. मैडम ये शादी किसी कीमत पर नहीं हो सकती. प्लीज पापा आप जाने भी दीजिए ना, मेरी भी तो शादी कहाँ हो रही है. ये जैसा भी है ना ठीक ही है. पापा अगर मैं इस इंसान से शादी करूंगी ना तो जिंदगी भर ये मेरा एहसान मानेगा. और वैसे भी इसे कौन मिलने वाली है? हमेशा मेरा पालतू पति बन के रहेगा. क्या तुम? हाँ तो क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? करिश्मा सिंह रुक जाइए प्लीज. एक मिनट गुलाबो, तुम इनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए शादी कर रही थी? ओ प्लीज मैडम, ये फिल्मी ड्रामा बंद कीजिए. शुक्र मनाइए मैंने इसे शादी के लिए हाँ कर दी है, वरना ये इंसान ना जिंदगी भर कुंवारा रह जाता. और मैडम आप ये मत समझना कि मेरी बेटी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. 50 लाख वैसे ही देने के लिए तैयार हूँ मैं. 20 लाख और बढ़ा दिए ना तो मेरी बेटी के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी लाइन. पुलिस के सामने आप दहेज का बात करें, इतना हिम्मत है आप में? दहेज हम क्या देंगे? दहेज दहेज देना चाहिए इसको, और वो भी उस लड़की को जो लड़की से शादी करेगी. जिंदगी भर इसका बोझ होने का कोई तो फायदा हो उसे.
गेट आउट, बाहर निकल जाइए अभी के अभी। चलो बेटा। प्यारे भैया, प्यारे ये क्या कर रहे हो? रहने दीजिए मैडम, बहुत तकलीफ दे चुका हूँ मैं आप लोगों को, और मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। अरे प्यारे, प्यारे जी, ऐसे मत करो बड़े भैया। प्यारे जी, नहीं, क्या गलत है इसमें? सही तो कहा उस आदमी ने कि मैं एक बोझ हूँ। जब पैदा हुए तो माँ बाप पे बोझ, बड़े हुए समाज पे बोझ, अब अगर शादी कर लेंगे तो उस औरत पे बोझ। देखो प्यारे, हमारी बस कीजिए मैडम, दया नहीं चाहिए। प्यारे जी, प्यारे, प्यारे जी, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। देखिए प्यारे जी, ऐसे आप हार मत मानिए, और अगर आप ही हार मान लीजिएगा तो कैसे चलेगा ना, किसी को तो भेदभाव खत्म करना पड़ेगा ना। प्यारे जी, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हम आपका दर्द, आपकी तकलीफ, सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं, और अब आपकी तकलीफ पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ, उस लड़की ने और उसके पिताजी ने वहां खड़े होकर जो भी बकवास की है ना, वो सब कुछ हमारे कैमराज में रिकॉर्ड हो गई है, और अब वो फुटेज हम शहर के सारे लोकल न्यूज चैनल्स में भिजवाएंगे। पूरे शहर को, हर इंसान को पता चलना चाहिए कि आपके साथ कितना गलत हो रहा है। आप भी एक इंसान है, इस समाज के, इस दुनिया के, इस डिस्क्रिमिनेशन से आपको कितनी तकलीफ होती है, ये सबको पता चलेगा, हम वादा करते हैं। बस कीजिए मैडम, और कितना जलील करेंगी मुझे, थक गया हूं मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करते करते, अब और नहीं सहा जाता, बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए मैडम, प्लीज। प्यारे जी, आपको आपको एक बात का एहसास ही नहीं है, आपको पता है? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आपका हार है? नहीं, बहुत लोगों का हार है अगर आप हारेंगे तो। क्या है कि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ना किसी शारीरिक विकार के कारण जो हार माने बैठे हैं अपने घर में। हम तो पहले से ही किस्मत के सामने हार चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। बस आपके सामने विनती है मैडम, ये सारी बातें बाहर पब्लिक में नहीं आनी चाहिए मैडम। ठीक है, हम वादा करते हैं। थैंक यू मैम, शुक्रिया। प्यारे जी, प्यारे, 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 प्यारे जी, थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं है हमको भूख, कितनी बार बोले पुष्पा जी। हाँ वैसे हमको भी भूख नहीं है, सबका यही हाल है, किसी को भी भूख। प्यारे की तकलीफ ने हम सबको अंदर तक हिला दिया है। वैसे बात अगर सिर्फ शादी की होती ना तो समझ में आता है, मगर ये गुलाब और उसका नालायक बाप जो सुना कर गया है ना प्यारे को, उस वजह से हमें, अगर उस वक्त हम वर्दी में नहीं होते ना, तो उन दोनों को लिटा लिटा के मारते हैं। अमा कहना क्या चाहती है पुष्पा जी, आप साफ साफ कहिए ना। हम दोनों चाहती हैं। कौन दोनों? हम और संतु। क्या चाहते हो? यही कि प्यारे की जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी दुनिया के सामने आए, यही तो एक तरीका है उसकी तकलीफ दुनिया तक पहुंचाने का। क्यों संतु? हाँ रहने दो, रहने दो, हमेशा ना ही बोलती हो तुम। नहीं पुष्पा जी सुनो तो सही, मैं भी यही कह रही हूँ मैडम कि पुष्पा जी सही कह रही हैं कि ये हमें रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर देनी चाहिए। हम वही समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रही हैं। नहीं मैडम सर ने प्यारे से वादा किया हुआ है ना। नहीं नहीं करिश्मा मैडम, वो तो मैडम सर ने वादा किया है ना, और आपको तो एक्सपीरियंस है उनके अगेंस्ट जाने का। धन्यवाद संतु, लव यू मैडम। चल चल यार, चल चल, सारा शर्म बेच खाया मैडम, सारा शर्म बेच खाया है। अरे थोड़ा तो खुरचन छोड़ दिया होता इंसानियत के नाम पर, सीधा साधा जनता को उल्लू बनाता है, आदमी है कि नाड़ा। एक मिनट, चीते का हो गया, का चक्कर है, ये आदमी कौन है? मैडम का बताए, हम लोकल न्यूज चैनल का फर्जी रिपोर्टर है। इस संत जी हम पकड़े संत जी। हाँ, तुमने पकड़ा, आगे बको। मैडम क्या बताए, कितना ज्यादा फालतू आदमी है, सीधा साधा जनता को ना उल्लू बनाया जा रहा है। ये कैमरा इसको
इसको मैडम से, इसको लेकर ना मैडम कहीं भी जाता है और कहता है ये देखो एलियन निकला है, वो देखो एलियन निकला है। इसको धीरे से कान में बोल देता है कि जो कैमरा है इसको इसे ऊपर करो, ये ऊपर कर लेता है। उसके बाद से खुद यही जाता है, टाट बोरी ओढ़ कर चला आता है, बच्चा सबका 5 रुपए वाला मास्क लगा लेता है और 40 वाट का लाल बल्ब आंख में ला के कूदता है, कहता है कि हम ही एलियन। मुझे माफ कर दो मैडम जी, रोजी रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, वो टीआरपी का सवाल है ना, तो अगर टीआरपी के लिए नहीं करेंगे प्रपंच तो हमारा चैनल कौन देखेगा? टीआरपी एमआरपी होता है ना, ये टीआरपी क्या है? नहीं नहीं पुष्पा जी, टीआरपी मतलब पब्लिक रेटिंग। जैसे स्कूल में कभी कभी अच्छे नंबर आते तो हमें कैसे ए ग्रेड मिलता है? नहीं मिला? मिलता था। वैसे जिस प्रोग्राम को जितनी पब्लिक की रेटिंग उतना ही कामयाब प्रोग्राम, और कामयाब प्रोग्राम मतलब उतने ही एड्स, और जितने एड्स उतने ही प्रोडक्ट सेल। मतलब ये जो एड कंपनी होती है ना, सारे प्रोग्राम वही स्पॉन्सर करती है, तो इस टीआरपी से पता चलता है कि आपका प्रोग्राम कितना कामयाब है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। गजब यार, इतनी अच्छी बच्ची को डरा दिया है। अच्छा तो फिर ऐसा है तो फिर इन लोगों को भगवान के कार्यक्रम दिखाने चाहिए ना, आम लोगों की परेशानी दिखानी चाहिए। कोई भी खबर हो या फिर टीवी सीरियल, बात दिल से निकलनी चाहिए। दिल से निकली हुई बात ही तो दिल तक पहुंचती है, लोग भावनाओं से ही तो जुड़ जाते हैं, और भावनाएं किसमें नहीं होती। वाह पुष्पा जी, गजब ना, मतलब हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि बहू के खिलाफ साजिश करने के अलावा भी आप अपना दिमाग किसी और विषय पे भी चला सकती है। धन्यवाद। आप भगवान में मानते हैं? हाँ जी। तो उनका धन्यवाद कीजिए, उन्होंने आपको बचाया। अभी 2 मिनट पहले हमारा दिमाग बहुत गरमाया हुआ था, लेकिन अब हमको आपसे काम है, अपने न्यूज चैनल पर जो हम आपको बताएंगे वो चलाएंगे। क्या करेंगे? न्यूज चलाना है। कहाँ पर? अपने चैनल पर। चलिए घर पे खाना भी बनाना है। आ रहे ना हमारे हसीना मैम। संतु हसीना मैम, हसीना मैम। हाँ, क्या हो गया? हसीना मैडम कहाँ है? अब ये क्या हो गया प्यारे, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मैं शोर मचा रहा हूँ या आप मैडम? हाँ लेकिन हुआ क्या है, क्या हो गया ऐसा? ये देखिए मैडम, जैसा भी है ना ठीक ही है। पापा अगर मैं इस इंसान से शादी करूंगी ना तो जिंदगी भर ये मेरा एहसान मानेगा, और वैसे भी इसे कौन मिलने वाली है, हमेशा मेरा पालतू पति बन के रहेगा। शुक्र मनाइए मैंने इसे शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखिए मैम, वरना ये इंसान ना जिंदगी भर कुवारा रह जाता। आपने वादा किया था मैडम ये वीडियो बाहर लीक नहीं होगा, फिर ये क्या है मैडम? करिश्मा सिंह जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैडम सर, वो करिश्मा मैडम इस बारे में कुछ नहीं जानती है, ये मैंने किया है। नहीं नहीं संतू झूठ बोल रही है, ये हमने किया है। आप सब लोग ऐसे बलि का बकरा बनने को काहे तैयार हैं? सॉरी मैडम सर, हम किए हैं। ग्रेट, अब आप सब हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ जाकर अपनी मनमानी करने लगे, किसकी हिम्मत हुई है? क्योंकि आप सबने ऐसा, हमने कहा था कि ये फुटेज बाहर नहीं जाना चाहिए, हमने इस आदमी से वादा किया था, हमने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी, फिर क्योंकि आप सबने ऐसा ना। मैडम सर, आपकी जबान का बहुत ख्याल रखते हैं इसलिए ये सब किया है। कहे कि आप भूल गई थी, लेकिन आपने इसी जबान से प्यारे को एक और जबान दिया था कि आप उसका साथ देंगी, आप उसका शादी कराएंगी, आप उनका दुख दूर करेंगी, तो आपका जबान खराब होते हुए हम सब कैसे देख सकते थे? इसलिए हम सब ने ये दुस्साहस किया। माफी चाहते हैं इसके लिए मैडम सर, हम सबकी तरफ से, पर हम मानते हैं आपने जज्बात में आकर ये वादा किया था प्यारे से कि आप ये वीडियो जो है बाहर नहीं आने देंगी, लेकिन मैडम सर वो गुलाबों, उसके बाप का और इनकी तकलीफ का बाहर आना बहुत जरूरी है। दुनिया को पता होना चाहिए कि प्यारे कितना तकलीफ में है। मैडम सर आप समझ रही हमारी बात को, इसलिए हमने ये वीडियो लीक करा दिया। प्यारे जी हम जानते हैं हमने आपसे वादा किया था, लेकिन I'm so sorry, हम अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, जो कुछ भी हो उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। हमारा कोई इरादा नहीं था इस तरह से
उस फुटेज को लीक करने का। लेकिन सच बात तो यह है कि हम इस बात से मुतमईन हैं कि आपका सच पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपका दर्द, आपकी तकलीफ सबको पता चले, और हो सकता है ऐसा करने से सही लड़की अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाए। वही जिसका आपको इंतजार है, आपकी सोलमेट। ये सब कहने की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है मैम कि कोई भी लड़की मेरे लिए बनी नहीं है। सच्चाई ये है कि मेरी शादी कभी होगी भी नहीं। मैं इस धरती पे बोझ हूँ मैडम, और ऐसे बोझ को जीने का कोई अधिकार नहीं मैडम। मुझे परेशाना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? प्यारे जी क्या कर रहे हैं? 48 घंटे दिए थे मैंने आपको। मैंने कहा था आपने इन 48 घंटे के अंदर कुछ नहीं किया तो मैं मेरी जान दे दूंगा। अब 48 घंटे खत्म होने के लिए 10 मिनट बाकी है मैडम। वैसे भी ये वीडियो बाहर लीक होने के बाद क्या इज्जत रह गई है मेरी मैडम। मजाक बन चुका हूँ मैं, इससे अच्छा मर जाना बेहतर है मैडम। प्यारे जी बैठ के बात करते हैं, बात समझिए। अरे एक मिनट प्यारे जी रुकिए, आपके लिए फोन आया, किसी लड़की का फोन आया, 2 मिनट रुकिए। हेलो क्या? हाँ प्यारे देखो किसी लड़की का फोन है और वो तुमसे शादी करना चाहती है। फोन आया। किसका फोन है? जल्दी उठाओ फोन। हेलो कौन चाहती? प्यारे आपको चाह रही लड़की का फोन है, लेकिन उनकी हाइट को एक साइड रखने को बोल रही है। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इतने अच्छे लड़के से आप हाथ धोना नहीं चाहती? सुना प्यारे, देखा? नहीं, एक सेकंड बताइए इनको क्या बोलूं? हाँ बोलूं कि ना बोलूं? प्यारे जी आपके लिए कॉल आया है। सब लोग आपसे शादी करना चाहते हैं प्यारे भाई। हाँ बोल दो, नहीं तो कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे के साथ चक्कर चला के। हेलो हमने तुम्हारी लड़की पहले से ही चुन के रखी है। ये तो मुनमुन तुम्हारे बचपन का प्यार। जी हाँ प्यारे और मुनमुन बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बड़े होते होते प्यारे का कद कम रह गया और इस डर में वो अपने प्यार का इजहार कभी नहीं कर पाए। और मुनमुन वो अपने पापा से इतना डरती थी कि वो भी कभी बता नहीं पाई कि वो प्यारे से कितना प्यार करती है। लेकिन जब ये वीडियो मुनमुन ने देखा, मुनमुन के पिताजी ने देखा, तब उन्होंने खुद मुनमुन को यहां भेजा है तुमसे शादी करने के लिए। सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो हाइट को लेकर, रंग रूप को लेकर, वजन को लेकर भेदभाव नहीं करते। बचपन में जो नहीं कर पाए आज कहना चाहती हूँ। प्यारे क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
माफ करना, बताने में बहुत लेट हो गई। मुझे भी। उसका वहां मेरा नहीं हुआ। मैडम सर, जब ये केस आया था थाने में तो हमको लगा कि मैडम सर क्या कर रही है, किस पछड़े में पड़ रही है, पर अब ऐसा लग रहा है कि इस केस को आपका बहुत जरूरत था मैडम सर, आपने फिर से हमें गलत साबित कर दिया। प्यारे को उसका हक आप ही दिला सकती थी मैडम सर, और प्यारे के जरिए समाज में इस सोच का परिवर्तन भी सिर्फ आप ही कर सकती थी। धन्यवाद उसके लिए, और इसके लिए मैडम सर आपकी पूरी टीम की तरफ से। अरे हम कहीं थे। का बात है, इंसाफ का देवी, जज्बात का सागर, न्याय का प्रतिमूर्ति, S.H.O हसीना मलिक, आपका शुभ चरणों में ही बुलबुल पांडे का सत सत नमन हो। हम भी हमारा थाने में आने वाला हर केस जज्बात से सॉल्व कर रहा हूँ। ना सच्ची, आपको विश्वास नहीं हो रहा, हमारे साले से पूछ लीजिए। हट चापलूस बेईमान मक्कार। मैडम, अपने मन में आप दुनिया का सबसे जलील, सबसे घटिया, सबसे गिरा हुआ इंसान का नाम सोच लीजिए। ये उससे ज्यादा जलील, गिरा हुआ और घटिया इंसान है। डिपार्टमेंट को जज्बातों का लॉलीपॉप दिखाकर अपनी कामचोरी छिपा रहा है, मुजरिमों को छोड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। 100 कमीने मरे होंगे तब जाकर ऐसा उच्च कोटि का महाकमीना पैदा हुआ होगा। ऐसा आप कहते सर इनसे हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते। अरे हाँ, BSP साहब ने हमको बुलाया था, कहा कि इस दिवाली का शुभ अवसर पे आपका और हमारा थाना के बीच में दिवाली का स्पेशल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस मलिक। जय हिंद सर। आइए, आप लोगों से कुछ बात करनी है, चलिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली एकदम नजदीक है और शुभ दीपावली के शुभ अवसर पर चोरियां बहुत होती है। यही है हमारी प्रतियोगिता, जिस थाना क्षेत्र में चोरी सबसे कम होगी या नगण्य होगी वही थाना जीत का सबसे बड़ा दावेदार होगा। 5,00,000 रुपया नगद राशि इनाम में होगी, पुलिस वेलफेयर फंड एंड पब्लिक सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से। गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह के एक्टिविटीज होने ही चाहिए, इससे फोर्स को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा और बेहतर काम करने का। आई एम ऑन बोर्ड, बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, तो अब आप लोग जा सकते हैं। जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक, अरे भाई रुकिए, आपसे बातें करनी है कुलदीप केस के बारे में। श्योर सर। बहुत नाइंसाफी है, ऊपर वाले ने ही महिला पुलिस थाने की कुंडली में हमारा नाम लिख के बहुत इंजास्ती किया है। अभी बिचारों ने चैन का सांस लिया नहीं था कि हमारा एंट्री करवा दिया उनका जिंदगी में, उनका जिंदगी को हराम करने के लिए। लेकिन देख लेना, ये कंपटीशन जो है बुलबुल पांडे ही जीतेगा। कच्चा बनियान गैंग कहाँ है आजकल ना, मतलब उन्हें जाके बुलावा भेजा, बहुत सारा काम करवाना है हमें। चलिए ना सर, गाड़ी लगी है बाहर। संतोष जी, मूर्ति दो हमें, ये वाला आप लीजिए। ये लीजिए संतु। इस दिवाली की हमारी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। ये मूर्ति जो अभी ली है। नहीं नहीं पुष्पा जी, बहुत महंगा होगा ये तो। अरे हाँ, तोहफे की भावना देखी जाती है, कीमत नहीं। पर फिर भी पुष्पा जी नहीं। अरे तो तुम हमें कोई दूसरा तोहफा दे दो।
हाँ ये ठीक है, ये जगह पुष्पा जी कितनी अच्छी है आप, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है पुष्पा जी। संतोष जी को गिफ्ट दी, हमको भी दिवाली का गिफ्ट दीजिए। हाँ, देंगे ना। हाँ, अगली दिवाली में। ठीक है पुष्पा जी, हमको इसलिए नहीं रहना, हमको शॉपिंग करना ही नहीं आप लोग के साथ। मैं जाती हूँ। चीते सोल, मैं तुझे दूंगी गिफ्ट। पैसे चल मन्नू। नहीं दीदी, मुझे मिठाई खानी है, बहुत मन कर रहा है। मन्नू हम कैसे खा सकते इसे, कितनी महंगी है ये, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। चल तू घर चल, मैं तुझे घर जाके बढ़िया सा गुड़ का शरबत बना के दूँ। मुझे खाना है। मन्नू जिद नहीं करते, चल। मिठाई खानी है भैया, ये दो डब्बे पैक कर दीजिए। लो मिठाई लो, ये लो, जी भर के खाओ और अपने मम्मी पापा को भी खिलाओ। अब बाबू ही लो, रखो रखो रखो, दिवाली वाला दिन इसके अंदर दिया डाल के ना घर के बाहर टांग देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। अरे आराम से आराम से। जीते इनाम में जो पैसे मिलेंगे ना, हम ऐसे ही मिठाई खरीदेंगे और इनमें बांटेंगे। हम भी संतोष, हम तो सारा पैसा दे देंगे बच्चा लोग को। चल संतोष जी। हाँ। पटाखा भैया, भैया लेकर आते हैं। ये वाला कितने का है भैया? रख दो, वो महंगा है, 1000 का एक है, आप नहीं खरीद पाओगे, रख दो उसे। नहीं मतलब महंगा है लेकिन। एक मिनट, ऐसे क्या कहा आपने? कुछ नहीं संतोष, छोड़िए ना। नहीं, नहीं एक मिनट, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? पुलिस वाले है ना आप? हाँ तो पुलिस वाले कहाँ इतनी महंगी चीज खरीद पाते हैं? सुनिए, जो ईमानदार पुलिस वाले होते हैं ना, बस वही महंगी चीजें नहीं खरीद पाते, लेकिन ये बात आप जैसा घटिया इंसान लाइफ में कभी नहीं समझ सकता। क्या कह रहे हैं आप, ये एक डब्बे का 1000 रुपए ना, ऐसे 10 डब्बे अभी के अभी आप इन्हें देंगे, कितने हुए 10,000? ये लीजिए, आइंदा से कोई भी ईमानदार पुलिस वाले से इस तरह से बात करने से पहले ना 100 बार सोचिएगा, ठीक है? वरना इसी पटाखे पे बैठा के जला दूंगी। संतोष जी जाने दो ना, क्यों ऐसे बेकार आदमी के लिए अपना इतना अच्छा मूड खराब कर रहे हो तुम? हाँ। अच्छा छोड़ो छोड़ो, हम ना वो पटाखा लेते हैं जीते। हाँ? वो हाँ वो इसी, आवाज भी इतनी नाजुक करता है। पुष्पा जी तो खाली घूमता है, आवाज नहीं करता है। इसको देखिए, इसको ना इसे डिब्बा में रख के उसमें ना माचिस जलेगा ना तो आसमान में जाता है। मतलब उसके बाद ऐसे फटता है, सरप्राइज देता है ना, इसीलिए हम भी आपको सरप्राइज दिए संतोष जी। ये वाला नहीं, ये ना ऐसे करता है कैसे? का चल रहा है ये? ना मतलब थाने में टाइम पास चल रहा है, काम करने का किसी का इरादा नहीं है। तुम्हारे थाना है, तुम्हारे चाचे का घर है ये। मैडम सॉरी सॉरी मैडम, लेकिन क्या है कि का हम लोग का आंख लग गया था और हम तो बड़ा खूबसूरत सा सपना देख रहे थे। मैडम हम क्या बताएं, ऐसा हम सपना देख रहे थे ना कि हम लोग का जो महिला पुलिस थाना है ना प्रतियोगिता जीत गया है, हम लोग का इनाम का राशि 5,00,000 रुपया मिला है और हम सब लोग के पास 1,00,000 रुपया है। हम पुष्पा जी और हमारी संतु जी, हम तीनों लोग दिवाली का शॉपिंग करने गए हैं। हम लोग ऐसे दिया खरीद रहे हैं, हम पटाखा खरीद रहे हैं, पटाखा खरीद रहा है। चीते संतु जी पटाखा खरीद रही हैं। अरे हम कहा बताएं, सपना में क्या हुआ मैडम, हम पटाखे की दुकान पर गए, हम बड़ा वाला पटाखा ले लिए। दुकानदार हमको बोलता क्या है कि महंगा पटाखा 1,000 रुपए का है, तुम नहीं खरीद पाओगे। तो फिर हमसे रहा नहीं गया और फिर मैंने ना चीते के लिए पूरा पैकेट खरीद लिया। अच्छा संतु जी आपको याद है, संतु जी से हमारा बेइज्जती देखा नहीं है? नहीं नहीं चीते। हाँ। उसने हम पुलिस वालों के लिए कहा ना, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं। हाँ। आए, क्या आपको पता है, हमने संतु को लक्ष्मी मैया की एक छोटी मूर्ति भी तोहफे में दे दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, मतलब तीनों एक दूसरे के सपना में घुसे हुए हैं। हाँ। संतु जब पीला रंग का थैला और रुमाल लाई थी। हाँ थैला था। गजब, हम आपके सपना में थे। हाँ मैं भी वही सपना देख रही थी। हाँ। हमारे सपना में मत आया कीजिए, हम कुछ। हाँ हाँ, और हमने भी वही सपना देखा। हाँ ये सब पीके की शक्ति का कमाल है। नहीं नहीं पुष्पा जी गलत बात, पीके तो सबको ही शक्ति आ जाता है ना। हम वैसी वाली शक्ति नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं पीके, पीके मतलब पीपल का करिश्मा। हमारे गांव में जो पीपल का पेड़ है ना, उसकी शक्ति का करिश्मा जो हमारे अंदर बचपन से समा गया है।
हाँ भगवान का शुक्र है कि अभी तक हम में वो शक्ति है। सामने वाले का हाथ पकड़ देना तो उसके मन में क्या चल रहा है हम सब कुछ बता सकते हैं। ये है पीके की शक्ति। क्या बात है पुष्पा जी, ना आप सासू ना हो गई हैं, आप पीके की आमिर खान हो गई है, किसी का भी हाथ पकड़ेंगी और आत्मसात कर लेंगी। हाँ छोड़ने का इरादा है कि नहीं है? एक मिनट, हम झूठ क्यों बोलेंगे? आपको देखना है लाइए हाथ आगे बढ़ाइए, हम अभी बताते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। लाइए। मैडम आई एम बिलो द स्पाय, रहता हूँ मस्त, काम करता हूँ जबरदस्त। आपके आदेश के अनुसार हमारे शहर के छोटे मोटे चोरों को हमने अपने चोर एसोसिएशन आगे बको, उनके जरिए एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया है कि दिवाली तक हमारे इलाके में कोई चोर चोरी नहीं करेगा। लेकिन एक खबर है जिसने मेरी नींद उड़ा दी है, आई एम इन टेंशन। एक पुरानी गैंग है जो फिर से एक्टिव हो गई है, और वो जो गैंग है वो बुलबुल पांडे के टच में है। उस गैंग का नाम है कच्चा बनियान चोर गैंग। बुलबुल बिलोटे, इसका मतलब कि ये कच्चा बनियान गैंग कच्चा बनियान चुराता है? कैसे रे तुम पुलिस में भर्ती? कच्चा बनियान मतलब वो चोरी करते वक्त कच्चा बनियान पहनते हैं ताकि चोरी करने में आसानी हो, तोड़ने में आसानी हो, भागने में आसानी हो, छुपने में आसानी हो, इसीलिए। मैडम मुझे ना शक है कि ये बुलबुल पांडे की ही सब करामत है, उन कच्चा बनियान गैंग के जरिए अपने इलाके में चोरी करवाएगा और हमारे पुलिस थाने को हराने की कोशिश करेगा। पता था ये बुलबुल पांडे नहीं सुधरेगा, इसकी फितरत में प्रपंच है, तो कैसे सुधर जाएगा ये बंदा? कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा मैडम सर से बात करके इस बुलबुल पांडे का। कच्चा बनियान गैंग, इतना बड़ा नाम, अरे तू 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। अरे पकड़िए ना, फिर देख के रहे हैं, पकड़िए। अरे देख कर रहे हो, पकड़ो। अरे रुका, सब लोग रुका। अरे 3 कच्चा बनियान तक तुम नहीं पकड़ सके? देखा साहब, हमने कहा था ना कि पकड़ो तो जाने। अरे ये कच्चा बनियान डालकर हाथों में और पूरे बदन पर तेल लगाकर जब हम चोरी करने के लिए निकलते हैं ना, तो आप समझ लीजिए हमें कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि क्या है ना, लोगों का हाथ फिसल जाता है, समझे आप? बात यहाँ मुकाबले की या बुलबुल पांडे की है ही नहीं, बात है कि इस दीपावली के अवसर पर हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं वो महफूज रहने चाहिए। इस काम को हम किसी इनाम के लिए या किसी कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे एज अ चैलेंज। हमारी तैयारी इतनी एयर टाइट और फुल प्रूफ होनी चाहिए कि ये जो कच्चा बनियान गिरोह है, ये तो क्या कोई मामूली चोर घर के बाहर का रखा हुआ दिया भी चुरा ना पाए। क्लियर मैडम सर? आप हमारी बात, ऑफ कोर्स हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप कब कुछ कहेंगी, क्योंकि हमारी सोच से ना इत्तेफाकी किए बिना आपका तो दिन शुरू नहीं होता ना। कहिए मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आप सीधा सीधा बात का नूडल काहे बना देती हैं ना, जब अपराधी सामने हैं, अपराध कहाँ होने वाला है वो हमें पता है, तो हम इतना समय बर्बाद काहे कर रहे हैं? हम जाते हैं शहर में धरपकड़ मचाते हैं, ये कच्चा बनियान गिरोह के अपराधियों को निकालते हैं खोद खोद कर, और सबको चिल्ला चिल्ला कर ना हम बताएंगे कि ये पूरा प्रपंच उस बुलबुल पांडे का है, उसने हमारे इलाके में उन चोरों को चोरी करने के लिए उकसाया है ताकि हम ये कॉम्पिटिशन ना जीत पाए। लेकिन लेकिन मैडम सर, इससे क्या होगा ना, इससे बुलबुल पांडे का चेहरा सिर्फ बेनकाब नहीं होगा, हमारा थाना ये कंपटीशन भी जीतेगा, ये इनाम राशि जीतेगा। करिश्मा सिंह, यही बुनियादी फर्क है आप में और हम में। हम भी ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं, लेकिन सही मायनों में जीतना चाहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुकाबला कभी सामने वाले को हरा कर नहीं, जीत पर अपना हक साबित करके जीता जाता है, और हम वही करना चाहते हैं। और एक बात बताइए करिश्मा सिंह,
अगर ये इन्फॉर्मेशन बिल्लू ने हमें नहीं दी होती तो हम क्या करते? हम फूल प्रूफ तैयारी नहीं करते लोगों को महफूज रखने की? करते ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि चोर किसने भेजा है? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हमारे लिए जीत महत्व रखता है। कौन कैसे जीता, किसने कितना झक मराया, इस बात का किसी को नहीं पड़ा मैडम सर। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब फानी। लेकिन हमारी नजर में जीत वही जब सारी दुनिया सामने सर झुकाए, बाकी सब फरेब। यही आपका बड़ा बड़ा बात मैडम सर, हमारे कभी समझ में आया ही नहीं है, ना आएगा और ना ही आ सकता है मैडम सर। हमारे जैसे सामान्य वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जीत बहुत महत्व रखता है मैडम सर। क्या ही ये जो पैसा मिलेगा ना, जो इनाम राशि मिलेगा, हम इस त्यौहार में वो छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकते हैं जो हमारे सरकारी वेतन में नहीं आ पाता है, वो बजट से बाहर हो जाता है मैडम सर। एक एक्स्ट्रा मिठाई, एक एक्स्ट्रा फूलझड़ी, एक एक्स्ट्रा दिया, ये इनाम राशि आएगा ना मैडम सर, हमारे घर में ना खुशियों का रोशनी हो जाएगा। आप समझ रही हमारी बात को? इसलिए हम ये मुकाबला हम किसी भी हालत में जीतेंगे और आपको जीत कर दिखाएंगे मैडम सर, देखिएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.